नमस्कार दोस्तों, हम रामकला से यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूँ कि जैसे हमारे गांव में दूध डेयरी तीन खुल गई हैं, तो उसमें से एक डेयरी हम चला रहे हैं, तो हमारे डेयरी पर किसान बहुत कम आ रहे हैं, तो उस पर हम क्या करें कि किसान हमारे डेयरी पर ज़्यादा आ जाएँ और हमारे डेयरी पर, दूध डेयरी पर दूध बढ़ जाए। तो दोस्तों आज इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। इस क्षेत्र में हमें दोस्तों लगभग 5 से 6 वर्ष का अनुभव रहा है, तो अपने जो हमारा एक अनुभव है, अपने अनुभव को आप लोगों के सामने शेयर करेंगे, जिससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी हेल्पफुल होगा और जो डेयरी चला रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। अब बात आती है किसान की कि हमारे दूध डेयरी पर किसान बहुत कम आते हैं, अदर डेयरी पर जो है किसान चले जाते हैं। डेयरी तीन है, तीनों प्राइवेट डेयरियां हैं, तीनों में जो है रेट में जो होगा, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आपको टिके रहना है मार्केट में दूध के बिजनेस में, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पैसे। जो भी किसान भाई हैं उनका जो पैसा बनता है उनको समय से मिल जाना चाहिए। अगर आप समय से पैसे नहीं देते, उन्हें फालतू परेशान करते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पैसे आ जाते हैं वो लोग देते नहीं, अपने यूज में ले लेते हैं, किसान भाई आते हैं रोज पैसे कहते हैं, तो इससे भी आपकी जो किसान है वो टूट सकते हैं, अदर डेयरी पे चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि किसान के जो दूध है आपके पास जितना जमा रहता है, ऐसा होता है 15 मतलब हर अलग अलग हिसाब होता है, लेकिन हमारे इधर क्या है 15 दिन हो जाता है तो किसान का 10 दिन का पैसा दे दिया जाता है। अगर 10 दिन पैसा दे दिए हो, 15 दिन के बाद 16वें दिन अगर किसी किसान को अगर ज़रूरत पड़ता है 100, 200, 400, 500, अगर उसका 5 से 6 दिन का दूध का जो पैसा होता होगा अगर 1000 हो रहा है, अगर किसान 500 मांगता है तो उसे दे देना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन में काम कर रहे हैं। अगर आप किसान से थोड़ा भी मगजमारी दिक्कत करते हैं तो भी किसान जो है नहीं आएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आपके पास जो भी किसान आए उनका सही तरीके से फैट एसएनएफ निकालें, ताकि जो उनका फैट एसएनएफ दूध का रियल है वो निकले। निकालने का तरीका आप लोगों को पता होगा कि उसे कायदे से हिलाएं, जो भी दूध है उनका मिक्स कर लें ताकि फैट और एसनेफ मिक्स हो जाए, ताकि उनका जो क्वांटिटी है दूध में जो उनका फैट है एसनेफ है वो सही उतरे। और चौथा पॉइंट जो आता है वो है कि आप लोग देखते होंगे कि तीन डेयरी है तो तीनों में अलग अलग रेट है, किसी में 1 रुपया, किसी में 1.5 रुपया, किसी में 50 पैसा। अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो उन डेयरियों के बराबर तो नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर उनका 1 रुपया ज़्यादा है तो आप उनसे 50 पैसा आगे जाना होगा, तब जो है वहाँ के किसान आपके पास आएंगे, क्योंकि किसान का यही रहता है कि जहाँ हम पैसे ज़्यादा पाएंगे वहीं पर दूध देंगे। किसानों के लिए 1 रुपया 50 पैसा माने रखता है। अगर उनके डेयरी पर 40 रुपया रेट पड़ रहा है, अगर आपके पास दूध वही लाते हैं तो 40 रुपये 50 पैसा पड़ता है, तो वो किसान आपके पास दूध देगा। दूध देने के बाद वो 10 जन को और बताएगा कि वहाँ तो यार इतना है, वहाँ इतना पड़ता था। तो इस तरह से जो है अपने आप किसानों को अपने डेयरी पर ला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपको मन कोई सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच।